हेलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमको क्या दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस एबव द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यूज रूट थ्री की वैल्यू को क्या पुट करनी है, 1.732। देखिए इस क्वेश्चन को हम बाय फिगर से समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है हमको कि एक लाइट हाउस है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट हाउस है ना, जो कि 75 मीटर हाई, यानी कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर, जो कि इस लाइट हाउस के एक ही तरफ में दो शिप हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ये सपोज कर लिया और एक ये शिप है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बना रहा है, ये हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया और ये इसको भी ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 30 डिग्री के हमारे पास बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल माना ये जो एंगल है ये हो गया 45 का, और ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए हमको मालूम है ना, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, है ना। जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, सिमिलरली 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इनको पहले सबसे पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हमने ये नाम दे दिया, ठीक है। इसको भी हम नाम दे देते, फॉर एग्जांपल ए हमने नाम दे दिया। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या करना है, दोनों जो शेप हैं उन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है हमको वो फाइंड करना है, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें हम काम करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी देखिए, तो एबीसी में हमने क्या लगाया, टेन लगाया, क्योंकि टेन थीटा में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो टेन यहाँ पे हमारे पास एंगल दे रखा है 45, तो टेन 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। तो देखिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ए बी हमको ऑलरेडी दे रखा है 75 और बी सी आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, ये तो हमको फाइंड नहीं करना है क्योंकि आपको दे नहीं रखा है यहाँ पे। तो बी सी इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 75, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास BC की वैल्यू, ठीक है। तो BC आ गई हमारे पास 75 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास BC निकल गया, हमको लेकिन निकालना क्या है, DC। तो हम क्या करते हैं, ट्रेंगल ABD में काम करते हैं। इन ट्रेंगल ABD तो इसमें वही हम काम करेंगे, 10 यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करेंगे 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन बी डी, है ना, क्योंकि ये पूरी लेंथ हम इसमें लेंगे। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 75। अब देखिए अब क्योंकि बी डी हमको नहीं दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, बी डी को कैसे लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा, डी सी प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी आ चुकी है, 75। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया 75। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी प्लस 75, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 75√3। अब देखिए तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75√3 प्लस 75 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो डी सी इक्वल टू हमारे पास 75 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 75 ने कॉमन निकाला, बचा हमारे पास √3 - 1। अब देखिए तो डी सी इक्वल टू 75, √3 की वैल्यू हमने दे रखी थी क्वेश्चन में, तो 1.732 हमने पुट की -1। तो डी सी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 1 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0.732, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी सी इक्वल टू 75 का मल्टीप्लाई जब हम 0.732 में करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 54.9, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास डी सी की वैल्यू, है ना। दोनों जो शिप हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी,
54.9, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज कितना हो जाएगा हमारे पास 54.9 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।